आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिश्विता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। चमोली के ऊपर हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद अब निचले इलाकों में तेज बर्फीली सर्द हवा ने जबरदस्त शीतलहर पैदा कर दी है। बात अगर सूबे के अंतिम सरहदी सीमान नगर जोशीमठ की करें तो यहां भी बर्फबारी के बाद ठंड और ठिठुरन से नगरवासियों की काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि नगर के प्रमुख बाजार के तिराहो, नटराज चौक, टीसीपी मार्केट सहित अन्य चौराहों पर नगर पालिका प्रशासन की तरफ से राहगीरों के लिए शीतलहर और सर्दी से राहत देने वाले बाबत अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी क्षेत्र में और बर्फबारी और बर्फीश के आसार हैं, जिससे अभी सर्दी और शीतलहर से सीमांत वासियों को राहत नहीं मिलेगी। खबर चमोली से है, जहां सर्द हवाओं ने अपना प्रचंड रूप धारण कर रखा है, जहां जबरदस्त शीतलहर देखने के लिए मिल रही है, जहां अलाव का सहारा ले रहे हैं इलाके के लोग, जहां नगर निगम की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि हालांकि नगर के मुख्य बाजार के तिराहो, नटराज चौक, टीसीपी मार्केट सहित अन्य चौराहों पर नगर पालिका प्रशासन की तरफ से राहगीरों के लिए शीतलहर और सर्दी से राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि शीत और बर्फबारी की बारिश के आसार है, जहां अभी सर्दी और शीतलहर के सीमांत वासियों को राहत नहीं मिलेगी। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर का स्थलीय निरीक्षण कर कोविड 19 व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कोविड मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड, आईसीयू बेड तथा बाल रोग वार्ड का निरीक्षण किया और आवश्यक सभी व्यवस्थाओं का चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जीवन रक्षक दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर के पर्याप्त मात्रा के रखने के निर्देश दिए। मैदानी क्षेत्रों में कोविड 19 केस के नए वेरिएंट में देखी जा रही बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकीय उपकरण संसाधन सक्रिय रखने के निर्देश दिए। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। लक्सर कोतवाली में एक दरोगा और दो पुलिसकर्मी में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक निजी कंपनी में एक साथ 6 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए अभियान चला रहे हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद नगर पंचायत लालकुआ क्षेत्र में लगे राजनीतिक पार्टियों के सैकड़ों होर्डिंग हटाए गए, जिसके बाद लालकुआ नगर पंचायत टीम ने सरकारी संपत्तियों और पोलों पर लगे छोटे बड़े होर्डिंग हटाने के बाद जब्त करते हुए होर्डिंग न लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद नगर से होर्डिंग हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता का पालन कराए जाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, जहां उल्लंघन किए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, जैसे कि आप भलीभांति अवगत हैं कि आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइन है, जिनका पालन जो है स्थानीय निकायों को करना होता है, तो उसके अंतर्गत दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में शहर में विभिन्न प्रकार के होर्डिंग, यूनिपोल, पोस्टर्स, बैनर्स और वॉल पेंटिंग्स लगाई गई है, जो कि चुनाव संबंधी है। सिर्फ उन्हीं को हटाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा कुछ बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री उनको अधिकृत किया गया हो, लेकिन अभी तक ये हमारी जानकारी में नहीं है। फिलहाल के लिए यही दिशा निर्देश दिए गए हैं टीम को कि वो जितने भी चुनाव संबंधी बैनर, पोस्टर और यूनिपोल्स होर्डिंग्स लगाए गए हैं, तो उनको क्लीन करें। रुड़की में
एक्साइटिंग विधायक के होते हुए भाजपा के कार्यकर्ता ने भाजपा से टिकट की मांग की है। बता दें कि रुड़की में भाजपा कार्यकर्ता वेटेक वल्लभ ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी पेश की है। भाजपा कार्यकर्ता वेटेक वल्लभ पंत का कहना है कि वो पार्टी के लिए लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से कहा कि चुनाव लड़ने के लिए कहा है, इसलिए वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनावी मैदान में हम कूद रहे हैं और जनता के आग्रह पर जनता ने हमको तैयार किया है कि आप जैसा व्यक्ति हमें चाहिए और आपको इस मैदान में आना है, इससे हमने तैयार किया और मैं पूर्ण रूप से इस चुनाव के लिए तैयार हूं। और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि मैं सेवक हूं, 50 वर्षों से सक्रिय सदस्य हूँ और हमने दावेदारी कर दी है और अब उनके ऊपर है कि वो दावेदारी हमारी स्वीकार करते हैं या किसकी करती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। रुड़की में प्रशासन की टीम सड़कों पर उतर आई है और राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर व होर्डिंग उतारने का काम शुरू हो गया है। साथ ही सभी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। पिंडर घाटी की मींग गांव में महादेव और पांडव की पूजा अर्चना और भव्य मेले और यात्राओं के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन इस बार करीबन 85 सालों बाद गांव में नवदुर्गा नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यहां के बुजुर्गों, नौजवानों, स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। दूर दूर से बेटियां, प्रवासी गण और रिश्तेदार नवरात्र में हाजिरी लगाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार उत्तराखंड की आराध्य देवी मां राजेश्वरी नंदा देवी अपने मायका सिद्धपीठ कुरूड़ धाम के लिए यह मींग गांव से होकर कर रही है। यह तो अवसर है और भी धार्मिक, मार्मिक और भावपूर्ण बन गया है। मां नंदा उत्तरायण पक्ष में उत्तरायणी के पावन पर्व पर अपने मायका सिद्धपीठ कुरूड़ धाम में पहुंचेगी, जहां से 6 महीने का प्रवास करेंगी। 6 महीनों के बाद उनका उनके ससुराल कैलाश के लिए अश्रुपूर्ति माहौल में विदा किया जाएगा। आज हमारे ग्राम मींग में 90 साल के बाद मां भगवती की नवरात्रा हो रही है, जिसमें सारे गांव का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग, धैणियों का सहयोग, इष्ट मित्रों का सहयोग, सबका हमको इस सहयोग प्राप्त हुआ। और आज सौभाग्य की बात है कि मां नंदा देवी की डोली यात्रा आज हमारे मींग में पहुंची है। ये नवरात्रा का वो किया तो आज सारे क्षेत्र में, मतलब हमारे जो मतलब रिश्तेदार जो हैं, मींग विनायक बनोली और रिश्तेदार हैं, जो महिलाएं हैं, ध्याणे हमारी हैं, सब यहाँ पहुँचे हैं। दूर दराज से लोग आए हैं। ये लोगों की एक मतलब इतनी वो थी कि भाई हर आदमी ये सोचा कि 90 साल बाद ये हो रहा है, तो हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी, मगर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बताया कि 90 साल पहले हुआ था। तो आज जो है कि सभी लोगों के दिल में एक ऐसी भावना आई कि बोल करके यहाँ पे नवरात्र किया जाए माँ भगवती का। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में भी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। आज विकासनगर में भारत संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुमार ने निजी जगह में पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में दौलत कुंवर को चक्राता विधानसभा प्रत्याशी और स्वराज सिंह चौहान को विकासनगर विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया। चक्राता विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने पर दौलत कुंवर ने कहा कि पिछले 25 सालों से चक्राता में एक ही परिवार राज कर रहा है और चक्राता विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्या आज भी जस की तस है। चक्राता क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान विधायक से ऊब चुकी है और अब जनता परिवर्तन चाहती है। बाजपुर में बेरिया दौलत गुरुद्वारा सिंह सभा से नगर कीर्तन का गर्जरौला। गुरुद्वारा नानक कसर ठाट के प्रमुख सेवादार बाबा प्रताप सिंह द्वारा कीर्तन को रवाना किया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह, किंदा राणा रणजीत सिंह, बाबा प्रताप सिंह ने SDM कोर्ट के पास 5 राज्यों का सरोपा भेंट कर उनका स्वागत किया और पुष्प वर्षा की गई।
प्रसाद भी वितरण किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में बेरिया दौलत से होते हुए शहर में भव्य नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें शामिल पंच प्यारे और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सुंदर झांकियां बाजपुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। नगर कीर्तन के आगे पारंपरिक वेशभूषा को सुचित श्रद्धालु श्री निशान साहेब लेकर नगे पाव नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाते नगर आए, जहां नगर कीर्तन बेरिया तिराहे शहीद भगत सिंह चौक मेन रोड होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचे, स्थित गुरुद्वारे पहुंचकर संपन्न हुआ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे बेरिया से चल के बाजपुर सिंह सभा गुरुद्वारे में नगर कीर्तन पहुंचेगा और सारी संगत यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का, हमारे दशमेश पिता का पर्व है, उसके बधाई देते हैं सभी को और उसका स्वागत करने के लिए पांच प्यारों का, गुरु साहब का, सारी संगत का। और सारी संगत का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो सारी संगत यहाँ पे खड़ी है स्वागत करने के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नरेंद्रनगर विकासखंड के कोटेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित गो तीर्थ धाम में एक सप्ताह से चला रहा ज्ञान यज्ञ का समापन हवन पूर्णाहुति के साथ किया गया। गौ माता के पालन परिवेश में प्रति आम जनमानस ने श्रद्धा बढ़े। कोरोना ओमिक्रॉन जैसे महामारी से दुनिया को छुटकारा मिले, संपूर्ण जगत में सुख शांति का वातावरण कायम रहे, ईश्वर से इसी मनोकामना के साथ कोटेश्वर स्थित गो तीर्थ धाम में ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। गौशाला संस्थापक गिरजा शंकर बिजलवाड़ का कहना है कि वे निजी संस्थानों में ही गायों का भरण पोषण करते आ रहे हैं। गौ माता की ठीक से देखभाल हो सके इसके लिए अनेकों बार सरकार से लिखा पढ़ी की गई, मगर प्रतिदिन प्रति गाय 5 के अलावा सरकार का अभी तक कोई अन्य सहयोग नहीं हुआ। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज से 14 साल पहले यहाँ पर स्वामी विशुद्धानंद जी ने इस गौशाला की स्थापना करी थी। आज इस गौशाला को चलाने में मैं संचालन का काम कर रहा हूँ और इस गौशाला में आज 153 गाय मौजूद हैं, जिसका भरण पोषण हम स्वयं के संसाधनों से और सरकार के द्वारा प्रति गाय 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है और बाकी स्वयं के संसाधनों से हम इस गौशाला को चलाते हैं। बाकी इस भागवत करने का मूल उद्देश्य हमारा यह है, लोग गायों के प्रति प्रेरित हों और गायों को रोड़ों पे न छोड़े, गौ सेवा करें। घंटाकर्ण एवं कोटेश्वर धाम की भूमि में एक कोटेश्वर भागीरथी नदी के तट के ऊपर गौशाला है और इसमें हमने एक गौ भावक रखी जो प्रधान संगठन एवं गौशाला की टीम के द्वारा रखी गई। इसका मेन मकसद हमारा जो था, कोविड-19 जैसी बीमारी जो आज दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है और कोविड-19 का दूसरा रूप आ गया, इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे ये बीमारी से सब दूर रहे और इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महादेव एवं भागीरथी नदी के तट पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष एवं मिली पालकोट के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक गौ कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें गौ कथा का मुख्य उद्देश्य जनमानस की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए किया गया है। इसमें हमें सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय जनता के द्वारा पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। वैश्विक महामारी से निजात पाने और गाय जिसे हम गौ माता के रूप में मानते हैं उसके प्रति हमारी और ज्यादा श्रद्धा बढ़े, इसको लेकर के गौ तीर्थ धाम कोटेश्वर में ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस ज्ञान यज्ञ में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और आयोजकों को इसके लिए बहुत साधुवाद धन्यवाद दिया है। लोगों ने मांग रखी है कि गाय जिसका दूध पीकर के लोग उसको सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं, गाय को हम संरक्षण कर सके इसके लिए सरकार को न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि जो यहाँ धाम में गौशाला है उसमें 153 गायें वर्तमान में हैं और सरकार केवल 5 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से मदद के तौर पर देती है। ये मदद को बढ़ाने की मांग यहाँ के लोगों ने और समिति ने की है जो यहाँ गौशाला को जो चला रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हमें कोरोना से निजात मिले, गायों के प्रति हमारी और श्रद्धा और आस्था बढ़े। देखते हैं कि सरकार इसमें क्या मदद करती है, ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से मैं वाचस्पति रया। देहरादून जिले में
संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज एवं पीड़ित पंडित दयान उपाध्याय चिकित्सालय पर व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चस्पा करवा कर संक्रमण से सतर्क रहने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस लहर को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए जनपद में ज्यादा से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की रणनीति है। वर्तमान में जनपद में 40 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए, जहां उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जनपद में संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन किट जल्द से जल्द पहुंचाने की रणनीति रहेगी और सैंपलिंग की संख्या 5 से 6 हजार प्रतिदिन किए जाने का प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ डॉक्टर सहित संबंधित चिकित्सक एवं कार्मिक भी मौजूद रहे। मैंने जो वास्तविक स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, उसका भी जायजा लिया और लगभग अभी फिलहाल 17 पेशेंट्स हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हैं और टोटल कैपेसिटी दून की है 600 बेड्स की है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 17 पेशेंट्स वहाँ पे एडमिटेड हैं और कर्सरी ग्लांस पे ये लग रहा था कि पेशेंट्स ठीक हैं, नॉर्मल हैं, सिम्टम्स फिलहाल माइल्ड हैं और यहाँ पे कोरोनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल कोई पेशेंट कोविड पेशेंट इन्फेक्टेड यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे लेकिन उन लोगों को होम आइसोलेट करा दिया गया है और हमारी स्ट्रैटेजी इस थर्ड वेव में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स घोषित करें। लगभग हमने अभी 40 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में घोषित किया हुआ है जहाँ पर क्लस्टर स्प्रेड हुआ है और यही स्ट्रैटेजी हमारी आगे रहेगी और होम आइसोलेशन किट्स जो हैं तत्परता से जल्दी जैसे ही पेशेंट इन्फेक्ट हो जाता है टाइमली उनको पहुंचाना, ये भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और अभी फिलहाल हमने टेस्ट की संख्या बढ़ाने पे भी ध्यान दिया है। चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां के थाना थराली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल तिराहे से चेकिंग के दौरान दो युवकों से 1.5 किलो चरस बरामद की गई है। जहां गिरफ्तार दोनों युवक देवाल विकासखंड के हिमानी घेस के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहाँ पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 2,25,000 आकी गई है और थाना थराली पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं गिरफ्तार दोनों युवकों द्वारा चरस की इस बड़ी खेप के कहां से लाया गया है और कहां ले जाया जा रहा था, इस मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। वहीं थाना थराली द्वारा अवैध रूप से नशे की इस बड़ी खेप की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा देवाल तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी जहाँ पर दो व्यक्तियों को उनके द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस काम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 की राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और जिस प्रकार की जानकारी इनसे प्राप्त होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर 1.5 किलो चरस बरामद की गई है, उस की कीमत 2,00,000 के आसपास बताई जा रही है। वहीं थाना थराली अवैध रूप से नशे की इस बड़ी खेप की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। रुड़की के धनौरी स्थिति बावनदरा पुलिस पर बरजैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ राहगीर भी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। साथ ही राहगीरों का कहना है कि ऐसा नजारा मसूरी में देखने को मिलता था जो आज धनौरी में मिल रहा है। आज हम रुड़की के धनौरी स्थित बावनदरा पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक आज अजीब ही नजारा देखने को मिल रहा है जो कभी पहले पहाड़ों में देखा करता था। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि यह एक अजीब नज़ारा किस प्रकार का है। दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं। यह नज़ारा पहले कभी पहाड़ों पर देखने को मिलता था लेकिन आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा इसमें क्या है कि आज यहाँ पर अनेक जहरीन देखने को भीड़ लग रही है।
यहाँ पर रात से बारिश होने के कारण भी कुछ इसका यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो झाग सा उठ रहा है, बर्फबारी जैसा हो रहा है जैसे मसूरी में के में पहाड़ों पर होता था। प्राइम टीवी से रामपाल सैनी की खास रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, जहां साथ ही लगातार बारिश भी हो रही है। बुरास खंडा और धनोल्टी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जहां सीजन की पहली बर्फबारी को लेकर जहां स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। धनोल्टी और उसके आसपास की पहाड़ियों के साथ ही बुरास खंडा सुवा खोली लाल टिब्बा क्षेत्र में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लगी रही हैं। तो वहीं बर्फबारी में पर्यटकों जमकर थिरकते नजर आए। वहीं पर्यटन नगर मसूरी में लगातार बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है और उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही मसूरी शहर में भी हिमपात हो सकता है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।